Once again, I welcome back to our channel. Hi, this is Vivek Mishra guys, and I hope you all are fit and fine and doing your studies. So today's video, I'm gonna make you learn how to introduce ourselves. Once again, I repeat, in this video, I'm gonna teach you how to introduce ourselves. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी इंट्रोडक्शन कैसे दें, और आपकी जानकारी के लिए हम बताएं, यदि इंग्लिश सीखने के सफ़र में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो यह इंग्लिश बोलने की प्रथम कड़ी है। यहाँ से हम इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया हुआ है कि कुछ ही दिन बाद जो है आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं हमारी टिप्स से, हमारी मदद से। तो यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं ना इस चैनल पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप पीछे जाके सारे वीडियोज़ को हमारे एक एक करके और क्रमबद्ध तरीक़ा से देखने की कोशिश करें और उसको यूटिलाइज करें, और आप अपने आप में एक जादू सा होते हुए देखेंगे कुछ ही दिनों बाद। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो सबसे पहले आपके लिए हमने कुछ मेंशन किया हुआ पहले से, जो आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। इंट्रोडक्शन के लिए हम कुछ पैटर्न बता रहे हैं, और इसी पैटर्न पे जो है ना आपको अपनी इंट्रो तैयार करनी है। जैसे आपकी एग्जांपल के लिए हम बताएं कि जैसे कोई भी मूवी का देखते हैं आप, पहले जो ट्रेलर चलता है वो एक प्रकार का मूवी का इंट्रो होता है, और वह इंट्रो यदि अच्छा नहीं हो ना तो उसी इंट्रो के माध्यम से बहुत सारे लोग यह पता लगा लेते हैं कि यह मूवी कैसा होने वाला है। ठीक उसी प्रकार आप एक मूवी की तरह हैं, आपके इंट्रो से आपका पता चल जाता है कि आगे आप क्या डिलीवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो अपनी इंट्रोडक्शन से आप अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा, तो ये उन सभी छात्रों के लिए है जो अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं या जो अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए नहीं है। मैं अगले किसी दूसरे लेक्चर में मैं एडवांस इंट्रोडक्शन वीडियो को लेकर आऊँगा, जिसमें मैं और सारी चीज़ें बात करूँगा। ये प्रॉपर मैंने बनाया उन बिगनर्स के लिए, आप इंग्लिश बोलने की यदि प्रथम कड़ी में हैं तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हमने लिखा है ग्रीटिंग्स, हम कैसे किसी से मिलते हैं तो ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने का तरीका क्या होता है हमारा, तो हम सीखेंगे ग्रीट कैसे करते हैं। सेकेंड हमने बताया ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड क्या होता है। जैसे मान के चलिए किसी के सामने आप अपनी इंट्रो दे रहे हैं, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उसका अभिवादन करें, तो ग्रेटिट्यूड का तरीका क्या होना चाहिए ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। आप एंड तक बने रहें, इस वीडियो के जस्ट बाद वीडियो के अंत अंत तक आप अपना इंट्रोडक्शन बगैर रटे हुए बोलना शुरू कर देंगे। उसके बाद दोस्त आप सीखेंगे अपना नेम बताने का क्या तरीका होना चाहिए, आप अपना नाम बताना सीखेंगे, और उसके बाद आप अपनी एज बताएंगे, आपकी एज क्या है। जैसे मैं 25 का हूँ तो मैं अपनी एज कैसे बताऊँगा, ये मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर हम चाहेंगे कि आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और दूसरा है एजुकेशन, एजुकेशन कैसे बताएं, आपकी एजुकेशन क्या है। जैसे मैंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट करी हुई है 2018 में, तो आपकी एजुकेशन क्या है, लेटेस्ट एजुकेशन आपको अपनी बतानी है, या आप 9th में हैं, 10th में हैं, 7th में, तो आप उसको कैसे बताएं, इसी वीडियो में हम उसकी भी चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम फैमिली के बारे में, ये फैमिली के बारे में कैसे बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद करेंगे हॉबीज के बारे में, उसके बाद स्ट्रेंथ के बारे में, और एंड कैसे करते हैं अपने इंट्रो को, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे। तो आई होप कि ये बातें हमारी समझ में आई होंगी। अब चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, ग्रीट कैसे करते हैं लोगों को। जैसे मान के चलिए आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, और आपको अपनी इंट्रो देनी है अपने स्कूल में, या अपने स्पोकन क्लास में देनी है, या किसी के सामने देनी है। यदि आप अपने दोस्तों के बीच दे रहे हैं तो ग्रीट करने का तरीका हाय हेलो से कर सकते हैं, पर यदि आप अपनी इंट्रो किसी स्पोकन क्लास में दे रहे हैं, या कॉलेज में दे रहे हैं, या स्कूल में दे रहे हैं, और वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स और आपके टीचर्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे आप हाय हेलो से अपनी ग्रीटिंग्स को बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाय हेलो से अपनी ग्रीटिंग्स की स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। यदि मैं समझता हूँ कि आपकी इंट्रो जो है मॉर्निंग में ही 12 बजे के पहले समाप्त हो रही है, तो गुड मॉर्निंग से आप अपनी इंट्रो ग्रीट की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद
सपोज कीजिए आपके टीचर्स हैं तो आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो आप सोच ही सकते हैं। यदि हमारे वीडियोज़ देख रहे हैं तो इतना तो आपको आइडिया होगा ही। तो चलिए, ये रहा ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हम लोगों ने कंप्लीट किया, ग्रेट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आपको इसका आइडिया चल गया। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड, कैसे हम अभिवादन करते हैं, अभिवादन करने के तरीके क्या होते हैं। पर मैंने बताया बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं बात करूँगा बेसिक, जो एकदम बिल्कुल ईजी हो। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, इंग्लिश में एक फंडा चलता है किस, और किस ऐसा नहीं समझे, किस करने वाला नहीं समझे, किस का मतलब होता है दोस्तों कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश में आप छोटे छोटे और सिंपल सिंपल वर्ड को यूज करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे और आपकी बातें सभी लोग समझ पाएंगे। समझ गए मेरी बातें? तो चलिए, ग्रेटिट्यूड करने के लिए आप बोल सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मे दिस अपॉर्चुनिटी या थैंक्स फॉर गिविंग मे दिस चांस। समझ रहे हैं आप, ऐसे ग्रेटिट्यूड अपना कर सकते हैं और इससे भी एक अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट करेंगे वहाँ। और यह करना ज़रूरी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन आपको बोलनी है और आके फटाफट अपना नाम बताना शुरू कर दिए हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं इंप्रेशन वहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। और मैं चाहता हूँ ना कि आप एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करें अपनी इंट्रो के माध्यम से। चलिए सेकेंड बात करते हैं नेम। नेम बताने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, नेम बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों, पर मेरा फेवरेट, जैसे आप बता सकते हैं बिल्कुल सिंपल, मैंने क्या कहा, किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आप बता सकते हैं नेम में माई नेम इज, या आई एम, मेरा नाम विवेक कुमार मिश्रा है तो मैं आपको बता रहा हूँ माई नेम इज विवेक कुमार मिश्रा, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई एम विवेक कुमार मिश्रा, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ हाय दिस इज विवेक मिश्रा। पर मैंने बताया कि हाय का इस्तेमाल आप वहाँ नहीं करेंगे जहाँ आप सीनियर्स सिटीजन्स बैठे हुए हों। चलिए उसके बाद बात करते हैं, हम एज की बात करते हैं, क्या आपकी एज 25 है, तो यदि ऐसा है तो आप मेरे एज के हैं तो आपको बोलना है आई एम 25। और बहुत सारे मित्र यह गलती करते हैं कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, क्या मैं ओल्ड दिख रहा हूँ आपको, 25 आपको ऐसे यूज करना है आई एम 25, ओनली 25 पे रुक जाना है आपको। समझ के बाद आप एज बता दिया, हम लोगों ने कंप्लीट किया ग्रीटिंग्स कैसे करना है, ग्रेटिट्यूड क्या होना चाहिए, नेम कैसे बताना है और एज कैसे बताना है। और जानते हैं नेम में, हम आपको बताएं नेम में बहुत सारे बच्चे तो ऐसे करते हैं हाँ इट्स रॉकी डिसाइड, तो ऐसा नहीं करना। बहुत सारे मित्र तो ऐसे करते हैं माई सेल्फ विवेक कुमार मिश्रा, हालांकि बोलने के कर्म में चलता है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं माई सेल्फ एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका यूज जो है हम ऐसे एज ए सब्जेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसकी डीप चर्चा हम करेंगे, मैं अपनी ग्रामर के सेक्शन में जब बात करूंगा मैं, तब तो मैं उसकी डीप चर्चा करूंगा। माई सेल्फ इतना जानिए, माई सेल्फ विवेक मिश्रा ऐसा कहना ग्रामेटिकली गलत है और हम लोगों को गलत नहीं सीखना है। और गलत मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आ रहा है तो जो भी आ रहा है, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड ट्राई टू स्पीक, डोंट थिंक वेदर यू आर रॉन्ग एंड राइट, आप बोलिए जो आ रहा है वो बोलिए। माई सेल्फ यदि आपको अच्छा लगता है तो बोलना शुरू कीजिए माई सेल्फ से। चलिए हम लोगों ने कंप्लीट किया था यहाँ तक, अब बात करेंगे एजुकेशन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, हम बात करेंगे एजुकेशन, अपना एजुकेशन कैसे बताएं। यदि आप अपनी स्कूलिंग फाइनल कर लिए हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम बीएससीबी बोर्ड पटना, और आपकी बोर्ड अलग भी हो सकती है, सीबीएसई बोर्ड हो सकती है, जो भी आपकी बोर्ड हो आप उसको वहाँ पे मेंशन कर दें। यदि आप सेवेंथ में हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास सेवेंथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई स्टडी इन क्लास सेवेंथ, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम इन सेवेंथ स्टैंडर्ड। समझ रहे हो बातें मेरी, जो भी तरीका आपको जो भी अच्छा लगे वो ऐड करें दोस्तों यहाँ से। ये तो रहा एजुकेशन की बात, अब बात करेंगे फैमिली के बारे में, फैमिली के बारे में कैसे बताएं। और मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में फैमिली की चर्चा करनी है, पर ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करने चालू कर देते हैं माई फादर इज अ फार्मर, हिज नेम इज फलाना एंड ही हैड टू सन्स, ये सब नहीं बताना। आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात की जा रही है ना, तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी
अपने बारे में बताएं, ऐसा नहीं कि अपने फादर के बारे में बताना शुरू कर दें, अपने ब्रदर के बारे में बताना शुरू करें, अपने मदर के बारे में बताना शुरू करें, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए फैमिली की बात करें, तो फैमिली में आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं एज फार एज माई फैमिली इज कंसर्न, या आप चाहें तो ऐसे भी बात कर सकते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, वी आर फाइव मेम्बर्स इन माई फैमिली, हम अपने फैमिली में पांच लोग हैं, आपके फैमिली में कितने लोग हैं आप कमेंट करके बताएं। आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं आप उन्हें ऐड कर सकते हैं ऐसे, वी आर फैमिली ऑफ सिक्स मेंबर्स, सेवेंथ मेंबर, एट मेंबर्स, नाइन मेंबर्स, जितने भी हैं आप वहाँ पे उसको ऐड करें। उसके बाद उसमें बात कर दें थोड़ी सी कि माई फादर इज अ फार्मर एंड माई मदर इज अ होम मेकर, नॉट हाउस मेकर। हाउस मेकर तो अप्लाई करेंगे ही नहीं, बहुत क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं माई मदर इज हाउस मेकर। हाउस मेकर जानते हैं अप्लाई कहाँ करते हैं? हाउस मेकर अपनी माँ के लिए नहीं अप्लाई करते हैं। हाउस मेकर वह होटल में काम करने वाली जो महिलाएं होती हैं, अलग अलग घरों में जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके लिए हम हाउस मेकर का इस्तेमाल करें, होम मेकर का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद फैमिली की बात कर लें, उसके बाद आप अपने बड़े भाई के बारे में, जैसे मेरे बड़े भाई आप जानते हैं उन्हें, नहीं जानते हैं? इसी चैनल पे आपको उन्हें उनसे भी मुलाकात होगा। सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं बहुत ही शानदार धमाकेदार तरीकों से, और आपकी जानकारी के लिए देख लीजिए, ये हैं हमारे बड़े भाई विनय सर। एंड मैं अपने बड़े भाई के बारे में भी बता सकता हूँ, माई एल्डर ब्रदर इज वर्किंग एज अ टीचर, मेरे बड़े भाई एक टीचर के तौर पर काम करते हैं, कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। चलिए ये तो रहा दोस्तों फैमिली के बारे में, अब बात करते हैं हॉबीज के बारे में। क्या आपकी हॉबीज क्रिकेट खेलना है या फुटबॉल खेलना है? ऐसे मेरी अपनी बात करें, मैं सब पे अपना अपना ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी हॉबी जो भी हो उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई लव टू प्ले क्रिकेट इन माई फ्री टाइम, या आई लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट इन माई फ्री टाइम। आपकी जो भी हॉबीज हो आप यहाँ पे ऐड करें, अप्लाई करें। उसके बाद बच्चे बात करते हैं, सॉरी बच्चे नहीं मैं दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती क्या है, और यह बताना ठीक उतना ही ज़रूरी है जितना कि सब्जी में नमक डालना, समझ रहे हैं बात है, जितना कि सब्जी में नमक डालना, क्योंकि आप अपनी मजबूती बताएंगे ना तो अच्छा इम्प्रेशन आप वहाँ क्रिएट होगा आपका। जैसे मेरी स्ट्रेंथ है, जानते हैं क्या, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम पैसिनेट, आई एम हार्ड वर्कर, आई एम पंक्चुअल, जो भी आपको अच्छा लगे ना, यदि इसमें से कोई नहीं भी है ना तब भी ऐड करें आप, समझ रहे हैं। स्ट्रेंथ तो बताएं ही बताएं, हम वीकनेस की बात नहीं किए, एक्सपीरियंस की बात नहीं किए, हमने बताया बेसिक इंट्रो है, समझ रहे हैं बात। बेसिक इंट्रो के बाद हम बताएंगे कि एडवांस इंट्रो की ओर कैसे क्या क्या ऐड करते हैं, एडवांस इंट्रो में क्या क्या ऐड करते हैं, समझ रहे बात। उसके बाद चूंकि मैं समझ रहा हूँ ना कि आप जो मेरी वीडियोज देख रहे हैं वो उनकी ये जो है 25 अंडर है, समझ रहे हैं, तो 25 अंडर है, तो आई थिंक हमको लगता है कि आप स्कूल गोइंग होंगे या कॉलेज गोइंग होंगे, डेट्स वाई हमने सिंपल सेट किया हुआ है। और मैंने बताया कि अभी बेसिक सीरीज हमारा चल रहा है स्पोकन का, आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट एडवांस सीरीज ऑफ माई स्पोकन इंग्लिश गाइज। चलिए एंड कैसे करते हैं, एंड करना ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एंड ऐसे कर सकते हैं, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ रहे हैं। आप ऐसे कर सकते हैं अपनी एंडिंग कर सकते हैं अपनी इंट्रो की, और ये रहा इंट्रोडक्शन का फैक्ट। और फिर अब क्या करेंगे, ये तो पैटर्न मैंने बताया है आपको, अब इस पैटर्न पे ग्रीट कैसे करते हैं हमने बताया, उसको नोट करें अपने नोटबुक में, कैसे ग्रेटिट्यूड दिखानी अपनी उसको करना है। उसके बाद नेम कैसे बताना है, नेम बताने के लिए चार फंडा हमने बताया, माय नेम इज बता सकते हैं, दिस इज बता सकते हैं, या आई एम बता सकते हैं, माई सेल्फ भी बता सकते हैं, बता सकते हैं। अभी नहीं सोचना है कि क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स, मिस्टेक करना ज़रूरी है अभी। उसके बाद एज कैसे बतानी है आपको, एज में ईयर्स ओल्ड, जैसे आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, इसको ऐड नहीं करना, आई एम 25। उसके बाद एजुकेशन कैसे बतानी है, आज जैसे मैं बता रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको इस इन सारे पे जो है मैं अपनी इंट्रोडक्शन सुना रहा हूँ, ठीक वैसे आपको अप्लाई करना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल,
और इस वीडियो के बाद जो है ना, जस्ट बाद आप अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कहाँ सुन रहे हैं, इस वीडियो के बाद जो है आप अपने इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करें। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विवेक मिश्रा, ग्रीटिंग्स हो गया हमारा, उसके बाद ग्रेटिट्यूड बोलना है हमको, थैंक्स फॉर गिविंग मे दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नेम के बारे में, माय नेम इज विवेक कुमार मिश्रा, सॉरी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया हुआ था, हाय दिस इज विवेक मिश्रा, थोड़ी सी हैबिचुएटेड मैं इसका हो गया हूँ, दिस इज विवेक मिश्रा बोलना, तो थोड़ा यहाँ आपको नेम अपना यहाँ ऐड करना है। उसके बाद एज, आई एम 25, उसके बाद एजुकेशन, एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार। उसके बाद फैमिली, इफ़ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, वी आर 5 मेम्बर्स इन माई फैमिली एंड आई एम द यंगेस्ट, मैं सबसे छोटा हूँ। आप कौन हैं अपने घर में, छोटे हैं बड़े हैं क्या हैं, यदि बड़े हैं तो इल्डेस्ट लगाना है, छोटे हैं तो यंगेस्ट लगाने हैं हमारी तरह। उसके बाद फैमिली के बाद बच्चे क्या बात करेंगे, हम हॉबीज के बारे में बात करेंगे, माई हॉबीज इन माई फ्री टाइम, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक, आई लाइक टू प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू प्लेइंग फुटबॉल, जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ, आई एम हार्ड वर्कर एंड आई एम पंक्चुअल एंड आई एम पैशनेट पर्सन, तीनों में से कोई एक ऐड करें जो आपको अच्छा लगे, या तीनों ऐड करें, जो मर्जी आपके दिमाग में जो आए ना, हमने क्या कहा, वाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो भी आए बोलना तो शुरू करें। एंड एंड कैसे करना है, थैंक्स फॉर सॉरी एंड आपको करना है, डेट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा, और यह वीडियो समाप्त होने के बाद देखना है, फिर से मैं साइड हो जा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट इसका लें आप, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इस पे नोटबुक पे मेंशन करें कैसे कैसे आपको अपनी इंट्रो तैयार करनी है, और उसके बाद बोलने की कोशिश करें। और इतना आप यदि काम करते हैं दोस्तों, तो आपको अपने आप में एक अलग कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, और आप इसकी मदद से धीरे धीरे हम लोग बहुत काम करने वाले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इस चैनल पे जो है हम बहुत शानदार काम करने वाले हैं, वो हर टेक्नोलॉजी को हम लोग एडॉप्ट करेंगे आगे चलकर, जिससे आप तक हम पहुंच सकें, छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकें इसकी मदद से। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बी हैप्पी लाइक ऑलवेज, टाटा बाय बाय।